ये है दिल्ली दर्पण। एक और आज के जमाने में घर के बड़े बुजुर्गों को घर के पुराने और बेकार सामान की तरह समझा जाता है, तो वहीं 24/7 केयर फाउंडेशन ऐसे बड़े बुजुर्गों के लिए डूबते को तिनके के सहारे की भांति काम कर रहा है। और ये मुहिम हजारों वृद्धों के लिए खुशी का एक अनमोल जरिया बन गया है। 24/7 केयर फाउंडेशन ने 18 जुलाई को रोहिणी सेक्टर 9 स्थित ओवरसीज अपार्टमेंट में उन बुजुर्गों का सामूहिक जन्मदिन मनाया जो जुलाई के महीने में जन्मे हैं। इस दौरान दिल्ली पुलिस रोहिणी डिस्ट्रिक्ट डीसीपी रजनीश गुप्ता, मैक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर वाहिदू जमन और 24/7 के अध्यक्ष आशीष गर्ग मौजूद रहे और इन सभी ने समाज के बुजुर्गों का जन्मदिन मनाकर जो खुशी उनको दी है वो वाकई काबिले तारीफ है। हम जब इकट्ठे हुए हैं, सभी बुजुर्ग इकट्ठे हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है। बर्थडे मनाया गया है जिनका, जुलाई में जिनका बर्थडे है उनके आज मनाया गया है। बहुत अच्छा लगा हमें सबको मिलके। आने पर हमें बड़ी खुशी हुई है कि सभी बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता है और बर्थडे मनाया जा रहा है। ये बहुत बढ़िया लगा है और पहले भी जो है ना ये मनाते रहे हैं, तो पहले भी हम आते रहे हैं और ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हम जैसे लोगों के दिल में एक बहुत बड़ा दर्द रहता है कि हमारा भी काश कोई होता तो आज हमारा भी कुछ करता। आज हमें फ़ख्र से ये कह सकती हूँ कि आज हम अकेले नहीं हैं, पुलिस हमारी साथ है। Some of the families, people are not respected, they are discarded, but it's not always. It's not always. Nice, very good. मतलब anything organized in a this type of platform is always good. मैक्स हेल्थ केयर की तरफ से डॉक्टर्स को बुलाया गया है जो उनके बारे में उनका हेल्थ चेकअप कैंप कर रहे हैं और उनको छोटी छोटी बातें बता रहे हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं। उसी के साथ साथ एक 24/7 एनजीओ द्वारा इस कार्यक्रम में उन बुज़ुर्गों का जन्मदिन मनाया जा रहा है जो जिनका जन्मदिन इस जुलाई में आता है। आज हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से हमारे डॉक्टर दीपाली बत्रा और डॉक्टर वाहिदू जमन हमारे हैं, जो एक साइकोलॉजी और यूरोलॉजी पे हमारा एक प्रोग्राम रखा है। हमने साइकोलॉजी पे प्रोग्राम रखने का हमारा जो उद्देश्य यही था कि जो अकेले रहने वाले बुज़ुर्ग डिप्रेशन के बहुत जल्दी शिकार होते हैं, तो उनको एक टॉक हेल्थ टॉक रखी है ताकि वो अपनी समस्याओं को खुलकर व्यक्त कर सके और उनकी समस्याओं का हम निदान कर सके। ये हमारी 24/7 एनजीओ की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन हैं, शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपनी जन्मतिथि का भी पता नहीं होगा और ना ही उन्होंने जीवन में इससे पहले मंगाया होगा, तो हमारे जो आजकल के यंगस्टर्स हैं उन्होंने उनका जन्मदिन आके एक उपकार उनके ऊपर किया है, उनको एहसास किया है कि वो भी कभी जन्मदिन उन्हीं खुशियों के साथ हुए थे पैदा जिन खुशियों के साथ आज के बच्चे अपने जन्मदिन को अपने माँ बाप के साथ और परिजनों के साथ मनाते हैं। आपको बता दें कि 24/7 केयर फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो पिछले कई वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही ये संस्था दिल्ली पुलिस और मैक्स हॉस्पिटल के साथ मिलकर उनको सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य देने की दिशा में भी पहल कर रही है। इस मौके पर प्रसिद्ध कवि मनीष मधुर भी मौजूद थे, जिन्होंने कुछ अपने ही अंदाज में अपनी बात रखी। साथ ही टाटा पावर की तरफ से आई पूजा कुमरा ने भी इस मुहिम की सराहना की। जीवन भर जिन्होंने सबको सब कुछ दिया है, आज जब हमारी बारी है कि हम उनको कुछ दे सके। अपने लिए तो सारी दुनिया जीती है, पशु जीते हैं, पक्षी जीते हैं, अगर परमात्मा की कोई सबसे अच्छी कृति होती है तो मनुष्य, और हम मनुष्य होके भी मनुष्यता के पाठ को भूल जाएं तो ये कदाचित सही उचित नहीं होगा। इसलिए 24/7 केयर फाउंडेशन और दिल्ली पुलिस ऐसे आयोजनों को करती रहती है और मैं हर जगह अपनी छुट्टियों को इन्हीं चीज़ों में व्यतीत करता हूं ताकि कुछ अर्जित कर सकूं। कलम का सिपाही हूं। 24/7 और टाटा पावर के बीच में एक हमारा काम चल रहा है जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है। हमारा टाटा पावर का एक प्रोग्राम है सम्मान। इस प्रोग्राम में हम लोग बेसिकली
सीनियर सिटीजन्स को प्रिविलेज सर्विस देते हैं अपनी कंपनी की तरफ से, और उनके लिए एक गोल्डन एज क्लब कार्ड भी बनाते हैं, और साथ ही साथ उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं कि हमारे डिजिटल सर्विस का भी यूज़ करें, और किसी भी तरह के हेल्थ चेकअप, हेल्थ टॉक्स, सेल्फ डिफेंस, इस तरह की ट्रेनिंग हम अपने प्रोग्राम्स में देते हैं। वाकई बुजुर्गों के लिए 24x7 केयर संस्था द्वारा किया जा रहा ये कार्य उनको खुशी और उमंग देने के लिए एक सराहनीय प्रयास है। दिल्ली दर्पण टीवी उनके इस प्रयास को सलाम करता है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए सोनू के साथ डिम्पल भारद्वाज की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर